किसी से आशीर्वाद मिलने का मौका को नहीं गवाऊं मैं कभी को नहीं गवाऊं। न जाने किसके आशीष से मैंने मारा लल्ला मिल जाए। तुम्हारे लिए भगवान समान मारे बच्चे को तुम्हारे पास ले आए, तारा बहुत बहुत उपकार कलेक्टर साहब। नहीं गंगा, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ भी किया आनंदी ने किया। ये खुशी आनंदी लेकर आई है। अगर सही समय पर आनंदी अपनी हिम्मत और बहादुरी नहीं दिखाती तो रतन सिंह एक बार फिर हमारे हाथों से निकल जाता। And just imagine, जिस आदमी को जिला की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस डिपार्टमेंट नहीं पकड़ पाया उसे आनंदी ने पकड़ लिया। और सिर्फ यही नहीं, अपनी जान पर खेलकर उसने मन्नू को भी आजाद किया है। आनंदी जी, तारा उपकार तो मैं जिंदगी भर को नहीं चुका सकूं। नहीं गंगा, ये क्या कर रही हो? मेरा आभार मानना चाहती हो ना, तो सबसे पहले रोना बंद करो। अब इन आंसुओं की कोई जगह नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। तो हंसने मुस्कुराने के दिन आए, है ना? हमारी वजह से आपने भी बहुत मुसीबत झेली ना। नहीं बिटिया, दुख तो मुझे है कि मैं तुम्हारे बच्चे से तुमको पहले नहीं मिलवा सका। मुझे माफ करना बेटी। ना काका, माफी कहीं मांगे होते? मैंने तो तसल्ली थी, जो मारा लल्ला थारे साथ है तो कुछ को नहीं होगा उससे। ते माफी को नहीं मांगू मारे से? लेकिन शिव, ये सब हुआ कैसे? इस सवाल का जवाब तो आनंदी दे सकती है। टीचर जी के फंक्शन में लड़कियों के साथ बात कर रही थी कि अचानक मनु ने मेरा लहंगा पकड़ लिया।
अरे वाह, ये तो प्यार अब तक कहाँ से आ गया? मन्नू, मन्नू, हे भगवान, मुझसे मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? मनु को पता चल गया जीजी, वो और उसके परिवार वाले एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर में रहते हैं। इसके पहले जलाद कुछ कर बैठे, इसको लेकर निकल जाओ। रुक जा। दे दे बारा बच्चा। फिर क्या था? मैं कलेक्टर साहब और काका मनु को लेकर यहाँ आने के लिए निकल पड़ी। जल्द से जल्द हम घर पहुंचना चाहते थे। रास्ते में एक ही बार रुके मनु को दूध पिलाने के लिए। जीती रहे हमारी लाड कुमार। पता है सुमित्रा क्या कह रही थी थारे बारे में? कि आनंदी जैसी बनना बहुत मुश्किल है किसी भी छोरी के लिए, पर मैं तो कहूं इसके जैसे बनने की बात तो दूर, कोई आस पास भी ना पहुंच सके हमारी छोरी। देवी माँ खुश रखे तने। लाडो, आज एक बार फिर तूने हम सबका सर शान से ऊंचा कर दिया। सच बेटा, जो तूने साहस दिखाया है ना, वो सबके बस की बात नहीं है। अब तो खुश है ना गंगा? अब तेरा मन्नू तेरे पास आ गया है, अब तू पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगा सकेगी। जल्दी से पढ़ाई खत्म कर ले और नर्स बन जा। हाँ काकू साहब, अब मेरा मन्नू आ गया ना हमारे पास, अब खूब मन लगा के पढ़ाई करूंगी मैं। अपने मन्नू को मैंने बहुत अच्छा इंसान बनाना है, इसके लिए सब कुछ करूंगी मैं, सब कुछ। मुझे नहीं पता था गंगा नर्स बनना चाहती। आज सुबह तो तय हुआ और गंगा राजी भी हो गई उसके। हाँ नंदी जी, आज सुबह सुझाव दिया डॉक्टर साहब ने, और फिर ठीक है ना, जैसे समय मने इतनी बड़ी खुशी मिली, मारा लल्ला मने वापस मिल गया, अब जैसे सर के लोगों की सेवा करके मने सुख मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है गंगा, और मुझे पूरा विश्वास है तुम एक काबिल नर्स बनोगी। एक बात कहूं गंगा, यहाँ के लोगों के लिए तुम्हारे मन में सेवा भाव देखकर मैंने भी अब वो करने की ठान ली है जो बहुत समय से मेरे मन में था लेकिन कर नहीं पाई। लाडो, तेरा कौन सा अधूरा काम है? माँ, वो पहले प्रौढ़ शिक्षा अभियान चलाती थी ना मैं,
अब फिर से शुरू करना चाहती हूँ।